नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में सचिन बोरम फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, क्रिकेट का चैनल कैसे ग्रो करना है और मैंने कैसे अपने चैनल को ग्रो किया, ये दोनों चीज़ें आज आप लोगों को मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो सके, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स और भी यूट्यूब चैनल है जो कोई भी इस टाइप के टिप्स नहीं बताता। हर कोई ये सोचता है कि यार कहीं इसका ग्रो हो गया तो मेरा क्या होगा। अपनी अपनी मेहनत है, अपनी अपनी किस्मत है, तो किसी के हक का कोई नहीं खाता। अपनी कोशिश सभी करते हैं, जो अच्छा करेगा वो आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अब बात आती है टिप्स की। टिप्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो सभी बताते हैं कि कंटेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, कंटेंट कैसा होना चाहिए। उसके बाद बाकी टैग्स, डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है कंटेंट की। सबसे पहले तो ये है कि क्रिकेट में हमेशा ये देखा गया है कि हम लोग जो भी हम छोटे लेवल के हैं, छोटा लेवल ही हमारा, कोई बड़ा नहीं है। मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा हो गया, हम छोटे ही लेवल के हैं। हमारे पास कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है, कोच का कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि जो हमको लोगों को दिखा सकें, या हम किसी लेवल तक, रणजी लेवल तक खेले नहीं है जो कि कोई हम पर ये विश्वास कर सके कि यार मैं आपको सिखा सकता हूँ। हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई रणजी प्लेयर होगा तभी वो अच्छा सिखाएगा, क्योंकि आपने एजुकेशन में भी देखा होगा जिस टीचर ने बीएड नहीं भी किया है, बीपीएड नहीं भी किया है, वो भी आपने देखा उनके पास बहुत नॉलेज होता है। आपने यूट्यूब में देखे होंगे कई ऐसे टीचर्स हैं जो प्राइवेट टीचर हैं, उन्होंने वो चीज़ नहीं कर पाए पैसों की कमी के कारण, लेकिन वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, उनको कितना अच्छा नॉलेज है आपको पता है। ओवरऑल ये नॉलेज है, आप कितना अच्छे तरीके से दूसरे को सिखा सकते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। खेलना सबको आता है, आपको भी आता होगा, हमको भी आता है, दूसरों तीसरों को भी आता है, लेकिन दूसरों को कैसे सिखाना है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपने अपने ऑडियंस को, अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनको दिखाना है। और उसके अलावा जो खेलने की बात आती है, खेलना आपको आना चाहिए। कई लोग ऐसे लोगों ने भी चैनल खोल के रखे जिनको खुद बिल्कुल भी खेलना नहीं आता, लेकिन वो टिप्स देते हैं। हालांकि वो कभी खेल के दिखाते नहीं, वैसे बताते हैं। लेकिन अगर आप जब तक खेल के नहीं दिखाओगे यूट्यूब के अंदर, क्योंकि हम लोग बड़े कोच नहीं, आपको पता है हम लोगों ने किसी लेवल में खेला नहीं है, तो हमको दूसरों को दिखाना है कि हम कैसे खेलते हैं। अगर आपको खुद ही खेलना नहीं आ रहा, बैट पकड़ना नहीं आ रहा, आप छक्के नहीं मार पा रहे, सही डिफेंस ड्राइव सही टेक्निक से आप करके नहीं दिखा रहे, तो दूसरा आप पे विश्वास करेगा ही नहीं बिल्कुल। वो सोचेगा यार जब इसको खुद ही नहीं आ रहा तो ये मेरे को क्या सिखाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। और बड़े कोच को कोई नहीं बोलता ना, बड़े कोच कभी खेल के भी नहीं दिखाते, आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल में कभी नहीं दिखाते हो बैटिंग करके, हल्का सा बोल देते ऐसे करना और दूसरे बच्चों से करवाते हो, और आपके पास कोई दूसरा बच्चा है भी नहीं कि जो आप भी दिखा सको। मेरे पास तो है, मेरा लड़का है, मैं उसको सिखाता हूँ और मैं उसको करा के दिखाता हूँ और खुद भी खेल के दिखाता हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो सके। तो आप भी ये कोशिश करिए कि अगर आप किसी को सिखा रहे हैं तो उसका डेमो दिखाए लोगों को कि भाई मैं इसको इस तरफ से सिखाऊं, तब जो है आपके जो सब्सक्राइबर हैं आप पर विश्वास करेंगे। उसके अलावा जो भी चीज़ आप बनाते हो ना, बिल्कुल दिल से बनाओ, मतलब दूसरे की नकल मत करो। मैं हमेशा यही बोलता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक, मैं स्टार्टिंग में दूसरों के चैनल जरूर देखे थे क्योंकि मेरे को बोलना नहीं आता था। मैं ये देखता था कि बोलते कैसे हैं, मेरे को नॉलेज सारी थी क्या क्या करना है, लेकिन बोलते कैसे हैं ये पता नहीं था। तो ये चीज़ें मैंने जरूर देखी कैसे कैसे बोलना है, तो वो चीज़ें आपको आती है, बोलना अच्छा आता आप लोगों को। लेकिन क्या है कि आप जो बोलोगे दूसरे की नकल मत करो, जो नॉलेज आपके पास एक्चुअल में है वो नॉलेज शेयर करोगे तो आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि आगे चल के अगर आप झूठ बोल के दूसरे का नकल करके कर रहे हो तो आप खुद भी भूल जाओगे मैंने पहले वीडियो में क्या बताया था, आगे मैं क्या बता रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे। लोग खुद ही बोलेंगे यार तूने पहले ये बताया था, आजकल तू ये बता रहा है। तो नकल करने से ये होता, आपके दिल के अंदर जो है वो दूसरों को बताइए जो आपकी एक्चुअल नॉलेज है। उसके अलावा सब्सक्राइबर की बात आती है। स्टार्टिंग में सभी ने अपने जो खास रिश्तेदार हैं उनसे बोलना पड़ता है सब्सक्राइबर के लिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है सबसे कि सब्सक्राइबर। मैंने भी ऐसे किया था, जब तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी, उसके बाद तुरंत मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मेरा टारगेट 1000 सब्सक्राइबर था, वो पूरे हो गए। अब मुझे ये पता है कि वो 1000 लोग मेरी वीडियोस नहीं देखेंगे, वो शायद कोई 1000 में से मुश्किल से 5-10 आदमी ऐसे होंगे जिसको क्रिकेट पसंद होगा। जिसको क्रिकेट सीखना ही नहीं है वो हमारे चैनल को क्यों देखेगा। फेक सब्सक्राइबर बना के कोई फायदा नहीं है। सब्सक्राइबर वो है जिन्होंने आपके वीडियो देख के सब्सक्राइब किया हुआ है कि आपसे उनको फ़ायदा हो रहा है और उसको सीखने को मिला, वही सब्सक्राइबर है। तो सब्सक्राइबर तो इस टाइप से फिर आगे चल के कैसे बढ़े वो भी बताऊंगा। उसके बाद स्टार्टिंग में हमेशा सब लोग डिमोटिवेट होते हैं, दूसरों को देखते हैं यार इसके तो लाखों व्यूज आ रहे हैं, इतना व्यूज आ रहा है, उससे कोई आपका लेना देना है नहीं। दूसरों को मत देखो, इससे टेंशन मत लो। एक बार आपके व्यूज आएंगे। यूट्यूब जब आप मेहनत करते रहते हो, कंटिन्यू लगे हो 50 वीडियो 100 वीडियो बना दिया, एक ना एक वीडियो आपका वायरल करेगा 100%। लेकिन वो वीडियो वायरल कौन करेगा वो कोई नहीं जानता। ऑटोमेटिक एक पता नहीं सिस्टम में आता है कि वीडियो वायरल होता है,
लेकिन उस वीडियो में आपका कंटेंट अगर बढ़िया है तो समझ लो कि आपकी बल्ले बल्ले होगी, उसके बाद आपका चैनल 100% ग्रो होगा। एक समय मेरा ऐसा भी था, एक दिन में 5,000 सब्सक्राइबर मेरे आ रहे थे जब मेरे 4-5 वीडियो लगातार वायरल हुए थे। तो उसी समय लोगों को ये भी पता चला कि मैं जो सिखाता हूँ उसमें क्या क्या है, कैसे तरीके से सिखाता हूँ, उनके समझ में कितना आता है, तो बहुत पॉजिटिव कमेंट आया थे, वहीं से मेरा शुरुआत हुआ था असली। अब बात आती है कि ग्रो कैसे करना। ग्रो करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है दोस्तों कि कंटेंट अच्छा बनाओ, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है डिस्क्रिप्शन में खूब चीज़ें डालो, डिस्क्रिप्शन आप भर भर के डालो, मतलब सारी जो जिस टॉपिक में आप वीडियो बना रहे उससे रिलेटेड पूरा बनाओ। उसके बाद सेम चीज़ जो टाइटल है टाइटल वाला सेम कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में डालो और वही कॉपी करके टैग में डालो, फिर टैग्स में भी पूरा जब तक फुल करो अलग अलग टाइप से। सबसे इम्पोर्टेंट है, इंडिया में आपको पता है कितने प्रकार से लोग सोचते हैं। आप अगर एक वीडियो बना रहे हैं स्टेट ड्राइव के ऊपर, हाउ टू प्ले स्टेट ड्राइव, तो उसमें आपने कम से कम 10 प्रकार से लिखना है, 10 प्रकार से सोचना है कि आप हाउ टू प्ले स्टेट ड्राइव लिख रहे हो, दूसरा आदमी दूसरे तरीके से सोचेगा स्टेट ड्राइव कैसे खेलते हैं, स्टेट ड्राइव की ड्रिल क्या है। तो इस टाइप से अलग अलग टाइप से लोगों की सोच होती है, वो अपना दिमाग लगाना आपने कि कैसे कैसे मैं टैग डालूंगा, वही चीज़ आपने डिस्क्रिप्शन में भी लिखना है, वही टैग्स में भी लिखना है, ताकि तीनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो तब वीडियो वायरल होता है, तब सर्चिंग में आता है, सजेशन में आता है। और सजेशन में जब वीडियो आता है, माना आपने स्टेट ड्राइव के बारे में लिखा है और दूसरा आदमी 50 वीडियो ऑलरेडी बने हुए हैं, तो उनके पीछे आपका भी सजेशन में आएगा, आपका थंबनेल अच्छा होगा तो वो जो है आपका एक बार पक्का देखा यार इसको भी देख लेता हूँ। तो उसके बाद देखने के बाद अगर अच्छा कंटेंट हुआ तो ऑटोमेटिक वो सब्सक्राइब रहेगा, आगे भी आपकी वीडियो देखेगा। अगर वहीं पर आपको आपका वीडियो उसको पसंद नहीं आया, बोला यार ये तो ऐसे ही बोल रहा, तो आगे चल के ना सब्सक्राइब करेगा ना ही वो आपका वीडियो देखेगा। और इसमें थंबनेल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हालांकि मेरे उतने थंबनेल जो है अच्छे नहीं रहते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि बनाऊँ, मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है, फिर भी आप कोशिश करो बढ़िया से बढ़िया थंबनेल बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ, ताकि मतलब लोगों को देखने में लगे यार हाँ इसके अंदर क्या है। और सारी कहानी पूरी थंबनेल में मत लिख दो कि मतलब अंदर मैं ये बता रहा हूँ, फिर अंदर आदमी देखेगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट, कभी भी मैंने देखो इतनी बार मैंने बोला है टेनिस के बॉल के बारे में, टेनिस बॉल स्विंग नहीं होती, या जो जो चीज़ें जो लोग झूठ बोलते हैं, हालांकि उनके चैनल अभी भी चले हैं, लाखों उनके सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, जो नहीं होता नहीं होता। मैंने कभी नहीं बोला कि टेनिस बॉल स्विंग होती है, हालांकि बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है कि टेनिस बॉल ऐसे स्विंग होती है, ऐसे स्विंग होती है, अंदर से फिर कटर की बात बताती हो, बोला ऐसे कटर ऐसे मारना है, बाहर से लिख देते स्विंग, मैंने भी लिखा हुआ है लेकिन मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। 150 की स्पीड लोग लिख देते हैं, आप आसानी से कर सकते हो, अंदर भी वही बोलते हैं, मैंने भी 150 की स्पीड, क्या 150 की स्पीड कर सकते हैं, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगाया है, नहीं तो अगर मैं पहले लिख दूंगा 150 कोई नहीं कर सकता तो वो कोई देखेगा भी नहीं, लेकिन मैंने अंदर से सच्चाई भी बताई है। और लेकिन क्वेश्चन मार्क का मतलब ही ये होता है कि क्या ऐसा आदमी कर सकता है। तो यही चीज़ है, सच हमेशा बोलो, आज नहीं तो कल आपके बारे में लोग सोचेंगे यार ये बंदा सच बोलता है, क्योंकि आप हमेशा दूसरों को देख के झूठ बोलोगे यार कैसे भी बढ़ जाए। इतने इतने लोगों ने ऐसा भी लिखा, बोला हर बॉल में छक्का मार सकते हो, हर बॉल में बस एक ट्रिक करो, हर बॉल में छक्का मार सकते हो, जबकि सबको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल में भी एक बार लगे हैं, युवराज सिंह ने 2020 में 6 छक्के मारे, उसके बाद 2-3 और ने मारे, अगर ऐसा होता तो सभी मारते। ऐसे एक ने ये भी बना रखा कि बस ये ट्रिक आजमा लो हर बॉल में विकेट मिलेगा, तो यार ऐसा कहाँ होता है, हर बॉल में किसको विकेट मिलता है, इंटरनेशनल में नहीं मिलता हर बॉल में विकेट, बहुत मुश्किल से हैट्रिक हो जाती है किसी किसी की, वो भी कभी कभी। तो झूठ बोलना कभी नहीं है, हमेशा सच बोलोगे तो हमेशा क्या ऑडियंस भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे यार ये बंदा सच बोलता है। अगर हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे झूठ बोलोगे, बाहर से अलग लिख दोगे अंदर कुछ और बोलोगे, तो फिर जाके आप पर विश्वास उठ जाएगा लोगों को। तो ये चीज़ें हैं, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन ये बताया, इन चीज़ों को ठीक रखो। सबसे इम्पोर्टेंट, अपना जो आपके अंदर जो टैलेंट है ना उसको दिखाओ, और ये मत सोचो कि कभी भी यार नहीं हो रहा, व्यूज नहीं आ रहे, आएंगे पक्का आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, छोड़ो मत, हौसला छोड़ो मत, लगे रहो। और मैं अगर आप प्रमोट करने की बात करते हो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं दूसरों को फोर्स नहीं कर सकता कि आपकी वीडियो देखो, क्योंकि ऐसा हम आपको बोल सकते हैं, ऑडियंस को ये नहीं बोल सकते भाई इसको ज़बरदस्ती देखो करके। मैं खुद ही अपने बारे में नहीं बोलता हूँ मेरे देखो, तो दूसरों के बारे में मैं कैसे बोल सकता हूँ। हाँ ज़रूर मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ, और हमेशा जो है पॉजिटिव रहो, कोशिश करो और खेल के दिखाओ, क्योंकि यहाँ यूट्यूब में खेल के दिखाना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल कोच को कोई नहीं बोलेगा आप खेल के दिखाओ, लेकिन आपको ज़रूर बोलेंगे। अगर आप अच्छी हिट्स मार रहे हो, अच्छा खेल के दिखा रहे हो, तो लोगों को विश्वास आएगा कि हाँ यार इस बंदे में ये खुद खेल के दिखा रहा, तो शायद हमको भी अच्छा सिखाएगा। और खेलने से ज़्यादा अगर आप उनकी गलतियाँ बताओगे, उनकी हेल्प करोगे, जिस टॉपिक में वो बोल रहे हैं उस टॉपिक में वीडियो बनाओगे, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि भाई इस टॉपिक में वीडियो बने। मैं व्यूज़ को नहीं देखता हूँ कि मेरे 100 व्यूज़ आएंगे, 1,000 आएंगे, 1,00,000 आएंगे, कोई मतलब नहीं रहता मेरे को ये रहता है कि
एक पर्टिकुलर बंदे को इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसकी कैसे हेल्प कर सकूं, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, व्यूज़ देखता नहीं हूं, कितने भी आ जाएं वीडियो बना देता हूं चाहे 100 व्यूज़ आ जाएं। तो आप भी यही करिए, अगर आपको कोई हेल्प मांगता है तो उसकी हेल्प करिए और उसके टॉपिक में वीडियो बनाए, ये मत देखिए कि मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे, चाहे एक व्यूज़ आए, एक आदमी ने बोला उसके चक्कर में 50-100 लोगों को और को भी फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों मेरा चैनल ग्रो होने का यही सबसे बड़ा राज है कि मैंने हमेशा सच बोला और जो मेरा जेन्युइन कंटेंट है जो मैं खुद अपने से बनाता हूँ उसकी वजह से हुआ है। दूसरों को देख के अगर नकल करके बनाओगे तो वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है, तो आप अपने से बनाओ, जो आपका नॉलेज है तरीका अपना दिमाग लगाओ, अपना सोचो कि यार मैं कैसे इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, ये चीज़ें सोचो, कैसे दूसरे आदमी के जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए उसकी क्या गलती होती जिसके कारण उसके छक्के चौके नहीं लगते या टेक्निक ख़राब होती, वो चीज़ें अगर आप बताओगे तो 100% आपका चैनल ग्रो होगा। दोस्तों अगर इसके अलावा भी कोई चीज़ पूछना है तो फिर से कमेंट में कर लेना। आप सब लोग अपने भाई हो, आप लोग भी ग्रो करो, हमेशा खुश रहो और खूब उन्नत करो। थैंक यू, धन्यवाद।